अस्सलाम असलम एवरी वन हो प्योर डेंगू वेल सो लेट्स टॉक अबाउट मी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं यूज़ करती हूँ कोई बहुत महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है सबसे पहले जो है मैं ये ड्रीम प्योर का क्लेंजर यूज़ करती हूँ जो कि मुझे बहुत सूट किया और मैं एक साल से उसको यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव इट एस्टिलीज का स्क्रब है इसका कॉफ़ी भी अच्छा है फ्रूट्स वाला भी अच्छा है ये वाला भी बहुत बेस्ट स्क्रब है ये ठीक है उसके बाद मॉइस्चराइज़र की बात करें तो आई लव डरमाइव ऑल फ्री मॉइस्चराइज़र मैंने इसकी टू बॉटल्स यूज़ की हैं और फिर मैं डरमा शाइन का मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ ये भी अच्छा है अगर आप थोड़ा सस्ते में लेना चाह रहे हैं तो आप ये ले लें लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी डरमाइव का बहुत अच्छा है उसके बाद ये एफ डब्ल्यू ऑर्गेनिक्स की जो है वो रोज जेल है और ये हर का नीम एंड मल्ट मास्क है ये मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है उसके बाद ये पोर परफेक्शन का जो है मास्क है ये ये है एफ्टर बी ऑर्गेनिक्स का फेशियल वगैरह करने के बाद मैं यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद बी क्यूट की ये स्किन पॉलिश है जो कि बहुत अच्छी बाल गोल्डन नहीं करती लेकिन स्किन नीट करती है उसके बाद फेस वॉश में मैं आजकल यूज़ करी हूँ पॉइंट्स का मैं कोई भी पॉइंट्स का फेस वॉश ले लेती हूँ और मेरा काफ़ी अच्छा चल जाता है ये एफ्टी ऑर्गेनिक्स की सनस्क्रीन है मेरे पास काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा जो है वो मैंने यूज़ की है ऑर्गेनिक ट्रैवलर की ये पूरी बॉटल ख़त्म हो गई है ये बहुत बेहतरीन सनस्क्रीन है लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है रोज वाटर है मेरे पास कॉफी सीरम है विटामिन सी सीरम है रिवाइन सीरम है ये सारे ऑर्गेनिक ट्रैवलर के हैं ऑर्गेनिक चावल का मैंने बी भी यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छा है एवलिन का फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं ये मैंने रखा हुआ है अगर मेरा फेस वॉश ख़त्म हो जाए तो फिर मैं एवलिन का उठा लेती हूँ ये जेल बेस्ड है उसके बाद ग्लैमरस की जो है वो सनस्क्रीन है अगर आप सस्ते में लेना चाहते हैं तो आप ग्लैमरस की ले सकते हैं उसके बाद आ जाते हैं बस ये मेरी थी फेस केयर उसके बाद लिप्स केयर लिप्स केयर मेरी मोस्ट फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है कि मेरे पास काफ़ी सारे जो है वो लिप बाम्स हो हिमालय का बहुत अच्छा है उसके बाद ये डेलिश है आई थिंक इसका मेरे पास पड़ा हुआ मिंट का और उसके बाद ये मैंने लिया है लेमन का ये मुझे बहुत पसंद है इसका मैंने चेरी वाला भी यूज़ किया है और ये कॉफ़ी वाला मैंने खुद बनाया हुआ था और बेबी लिप्स मेरी मोस्ट फेवरेट है मोस्ट फेवरेट है ये मैं ब्लाइन थी मैंने औरिजिनल ली थी अलकरम से और ये तो एक तो आपको पिंकि शेड दे देती है और आपकी स्किन के लिए लिप्स के लिए अच्छी भी बहुत है उसके बाद बॉडी मिस्ट ई एस का कैरेट कैरेट है कारत है जो भी है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है निविया का भी अच्छा है बहुत अच्छा है ड्रमश का कोई खास नहीं है बहुत तेज़ इसकी स्मेल है और खाड़ी का भी मैं यूज़ कर रही हूँ लक्स का बॉडी वॉश मैं यूज़ करती हूँ बाकी ये दो रोल ऑन पड़े हैं एंड दैट है। क्योंकि मुझे होता है कि शॉवर लेने के बाद मैं ज़रूर कुछ लगाऊँ ताकि ना स्वेटिंग uh, वगैरह हो तो स्मेल ना आए एंड इट अगर कंपेयर किया जाए तो ई का मेरा मोस्ट फेवरेट है उसके बाद निविया का एंड देन खाड़ी का उसके बाद आ जाते हैं हम हेयर केयर पे हेयर केयर में मैं ये दो ऑयल यूज़ करती हूँ साइड गानी के हैं दोनों मिक्स करके क्योंकि मैंने उनको अपने हेयर की कंडीशंस बताई थी फिर उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया सहीज यानी कहीं मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ कभी एलोवेरा ले लेती हूँ कभी दूसरा ले लेती ले 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 हूँ मतलब जो, जो लगे मुझे लगे कि मुझे यूज़ करना चाहिए मैं वो ले लेती ले ले हूँ लेबॉन का सीरम यूज़ करती हूँ जो कि मुझे बहुत सूट करता है मैं सिर्फ हेयर पे ही सीरम यूज़ करती हूँ और ये साफ़ी का जो पड़ा हुआ है ये मे आप ही ने मुझे मलेशिया से भेजा था एंड देट बाकी बस हेयर केयर में फ़िलहाल मेरे पास यही कुछ है उसके बाद हम बात कर लेते हैं हैंड केयर की हैंड केयर में मैं हैंड्स अपने हैंड वॉश से वॉश करती हूँ मैं सॉप यूज़ नहीं करती कोई भी हैंड वॉश ले लेती हूँ फिलहाल पामोलिव का है हैंड आ, फुट क्रीम है ये शाइन की काफ़ी अच्छी है ये हाथ पैर नीट हो जाते हैं इससे अगर आप डेली यूज़ करें और बेस्ट क्रीम मेरी मोस्ट फेवरेट एवलाइन की है एवलाइन की हैंड क्रीम हैं मुझे बहुत पसंद है प्राइस रेंज इसकी क्वांटिटी रेंज इसकी क्वालिटी रेंज इसकी एवरी थिंग इस टैन और टन हंड्रेड आउट ऑफ टेन है फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है उसके बाद ये निविया की पड़े हैं है।, है, लोशन पड़ा है क्रीम पड़ी है एंड ये नेक्स्ट की है मैंने कि विंटर्स में यूज़ की थी और अब दोबारा विंटर्स में यूज़ करूंगी उसके बाद ये हैंड क्रीम की वाली है एंड दैट्स इट ये मेरी प्रॉपर जो है वो केयर है होप यू लाइक इट कोई एक्सपेंसि सिर्फ इतने प्रोडक्ट्स नहीं है कुछ चीज़ें हैं एक्सपेंसिव लेकिन जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं होप यू लाइक द वीडियो सी यू सून अल्ला हाफिज सॉरी सॉरी वीट 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 फॉर एल यूज दिस Uh, मुझे यही सूट करती है उसके बाद औरल के लिए uh, मतलब ये मैं यूज़ करती हूँ डेंडर फ्लॉस इससे जो है या टूथपिक वगैरह भी कर देती हूँ उसके बाद mm, मेरे ब्रशिज़ लगे हुए हैं तो मुझे जो है माउथ वॉश भी यूज़ करना पड़े तो मैं एक प्लाजअप का लेके आई थी लेकिन ये लाइची वाला मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा लेकिन डिस्ट्राइन का बहुत अच्छा होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करती मैं इसको पानी में मिक्स यूज करके यूज़ करती हूँ ओके बाय